हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है सत्यार्थ क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। और FCI की वैकेंसी की पूरी कंप्लीट बात करेंगे। जो 4000 प्लस वैकेंसीज आई हैं उसके रिगार्डिंग पूरी बात करेंगे, हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट होने से पहले कुछ मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में अपन क्या क्या डिस्कस करेंगे। पूरा कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि वीडियो जो आई है, जो कंप्लीट ये वैकेंसी आई है, उसके अंदर इसके एलिजिबिलिटीज़ क्या हैं, ठीक है, कंडीशंस क्या क्या हैं, एज लिमिट क्या है, क्या पेपर का पैटर्न रहेगा, प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। कुछ के मन में डाउट ये था कि सर हम प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ में हमारे ये इशू आ रहा है कि हम क्या, अगर हम जैसे CGL की प्रिपरेशन करेंगे तो क्या हम इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट CGL की प्रिपरेशन कर रहा है, CPO की प्रिपरेशन कर रहा है या कोई अदर प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकता है, अपियर हो सकता है, पेपर लेवल सेम है, कोई ऐसा नहीं है। इसके अलावा यह है कि जो प्री फेज है, प्री में जो एग्ज़ाम लग रहा है, उसके क्या क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा या फिर कैसा रहेगा। हाँ, ये जो प्री है वो क्वालिफाइंग मार्क्स का रहेगा। पेपर कब लगेगा, कैसे होगा, क्या इसकी टोटल फीस है, अपन वीडियो में बात करेंगे पूरी कंप्लीट। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल है साइड में कॉर्नर पे देखिएगा, सब्सक्राइब करेंगे तो इस नोटिफिकेशन बेल होगी, उस नोटिफिकेशन बेल पे प्रेस करिएगा, जिससे आपको रेगुलर वीडियो को अपने चैनल के नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। इसके अलावा कुछ और जानकारियाँ हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। फेज़ वन के लिए, इसी FCI के फेज़ वन की तैयारी करने के लिए हम नया बैच लेके आ रहे हैं, और उसकी जो फीस रहेगी वो सबसे कम है, वो है सिर्फ 4000 रुपीज़, जो आपको कहीं प्रोवाइड नहीं हो रही। ये 4000 रुपीज़ पूरी टिल एग्ज़ाम आपके लिए रहेगी, टिल एग्ज़ाम हम आपको प्रिपरेशन करवाएंगे, और एक सिंगल बैच रहेगा ये। मतलब ये नहीं है हम इसी के 3-4 बैच बना रहे हैं, सिंगल बैच स्टार्ट करेंगे। आप इस नंबर पर संपर्क करके 7733070699 पे या व्हाट्सएप पे आप जुड़ सकते हैं। चलते हैं अपन वैकेंसी की तरफ। देखिए, ये जो वैकेंसी है वो आई है जूनियर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल हो चाहे इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो उनके लिए, या फिर असिस्टेंट कैंडिडेट AG2 हिंदी और साथ में स्टेनो ग्रेड 2 के लिए, टाइपिस्ट हिंदी के लिए, या फिर AG डिपो जनरल या टेक्निकल डिपो अकाउंट्स, इन सभी के लिए। एक बार वैकेंसी बता देता हूँ, रफली वैकेंसी बता देता हूँ फटाफट, उसके बाद में मैं सारी वैकेंसी की एलिजिबिलिटी कंडीशंस दूंगा, तो देखिएगा। चलते हैं अपन। जैसे ही वैकेंसी जोन वाइज निकली है, पहली बात, वैकेंसी जो निकली है वो निकली है सभी की जोन वाइज। जब मैं जोन की बात करता हूँ वैकेंसी की, तो बता देता हूँ, जैसे आप देखेंगे इसके अंदर, आप देख लीजिएगा, आप जैसे आपका, अगर मैं एक चीज़ में एक बता देता हूँ, सबसे हाई मेरिट जाएगी नॉर्थ जोन की, सबसे हाई मेरिट जाएगी नॉर्थ जोन की, और मेरिट जोन वाइज ही होगी। इसके अलावा एक चीज़ और ही है, पोस्ट भी इसी जोन में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट एक चीज़ और नॉर्थ जोन की है, और आपको बता दूँ कि नॉर्थ जोन जो रहेगा वो पोस्टिंग के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा जोन रहता है। अगर आप चाहते हैं सबसे अच्छा जोन होता है अकॉर्डिंग टू द पोस्टिंग्स, क्योंकि अच्छी पोस्टिंग होती है, अच्छी जगह पोस्टिंग होती है, और टेम्परेचर होता है वो अच्छा, नॉर्मल टेम्परेचर होता है। नॉर्थ जोन में जो एरिया आएगा वो आपका दिल्ली वगैरह हुआ, चंडीगढ़ हुआ, हरियाणा हुआ, ठीक है, राजस्थान हुआ, MP हुआ, कुछ कुछ MP हुआ, ये सभी नॉर्थ जोन के अंडर आएंगे, इस चीज़ पे आप ध्यान रखिएगा। चलिए अपन बात करते हैं फर्दर, नीचे चलते हैं वैकेंसी का। जूनियर इंजीनियर सिविल्स के लिए आई है, ठीक है। मेन बात आती है एज लिमिट की। यहाँ पे जो एज लिमिट है, इन सभी की इन्होंने 28 ईयर्स दी है, देख लीजिएगा। JEE दोनों के लिए, जो भी जूनियर इंजीनियर है उसके लिए जो एज है वो 28 ईयर्स, मतलब 1 जनवरी 2019 को उस बंदे की एज है जो है वो 28 क्रॉस नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे सबको ये डाउट था क्या वैकेंसी लेट आई है, 25 साल रिलैक्सेशन मिलेगा, ऐसा कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। स्टेनोग्राफर की बात करूंगा तो स्टेनोग्राफर के लिए 25 ईयर्स दिया गया, AG हिंदी के लिए दिया है 28 ईयर्स, टाइपिस्ट के लिए दिया 25, और AG3 जनरल के दिया है 27। सबसे ज़्यादा फॉर्म जो भरे जाने वाले हैं, एक तो जनरल में भरे जाने वाले हैं, जिसके आप देखेंगे अपन अनरिजर्व टोटल की जब बात करूंगा 256 है इसके अंदर, ठीक है। AG अकाउंट्स की बात करूंगा 287 है, आप ये देखिएगा 287 पोस्ट। अब जो मेन पोस्ट दी है यहाँ पे, ये OBC के अंदर दी है, देखो 62। अब आपको यहाँ ये लगेगा कि सर जनरल की यहाँ पे पोस्ट कम दी है, 62 OBC दे दिया और 66 दे दिया अपने SC ST के कंडीशन में, ठीक है, SC के कंडीशन में अपने को दे रहे हैं ये 66, ठीक है। अब जब 66 दे रहे हैं आप सोचेंगे 62, लेकिन ये जो थी, ये जो वैकेंसी, ये यहाँ पे बैकलॉग थी, इस वजह से, बैकलॉग की वजह से यहाँ पे वैकेंसी बढ़ाई गई है, ठीक है।
बैकलॉग की वजह से वैकेंसी बढ़ाई गई, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, नोटिस रखिएगा आपके जवाब में। और टोटल जो रहा है इसमें 123 है अपने जनरल की, ठीक है 123 है, ये ऊपर है नोटिफिकेशन, इसका ध्यान रखिएगा 123 वैकेंसी है इस जगह। आपको लगे कि ज़्यादा है, लास्ट ईयर एससी की बढ़ाई ज़्यादा है क्योंकि बैकलॉग थी इस वजह से, ठीक है एससी में जहाँ भी ज़्यादा होगी वो बैकलॉग की वैकेंसी थी। नेक्स्ट डिपोट में भी बहुत अच्छी वैकेंसी है, डिपो के अंदर में टोटल जो वैकेंसी है वो 401.03 है और जो जनरल की है 478 है, तो अच्छा चांस है डिपो और जनरल दोनों के अंदर ही। सेम साउथ जोन की वैकेंसी आप देख लीजिएगा, आपके नज़र में है देख लीजिएगा, स्लाइड डाउन कर देता हूँ, बाकी नोटिफिकेशन पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इस जोन की आप देख सकते हैं, वेस्ट जोन की आप देख सकते हैं सेम। चलते हैं आगे, ये आता है नॉर्थ ईस्ट जोन, पोज कर लीजिएगा वीडियो को, पोज करके आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी आपको बता दूं वैकेंसी चेंज भी हो सकती है, ठीक है। पे स्केल जो रहेगा ठीक है वो रिवाइज होगा, अभी जो बता रखा है इन्होंने ये पहले के अकॉर्डिंग बता रखा है, लेकिन अभी इस सबसे पे स्केल नहीं होता, 7th पे कमीशन के अनुसार चेंज हो जाएगा, ठीक है। पहले नोटिफिकेशन इन्होंने बना रखा है उस अकॉर्डिंग ही है। बात करते हैं तो आप यहाँ पर रिजर्वेशन रहेगा उस चीज़ का भी ध्यान रखेगा, लेकिन अपन फर्दर बात करेंगे, सीधे आएंगे ये कैटेगरी की कौन कौन भर सकता है, वो अपनी कैटेगरी अपने डिसेबिलिटी का कैटेगरी का के देख लें क्या क्या की कैटेगरी कौन सी डिसेबिलिटी है। तो डिसेबिलिटी वाले सभी में अप्लाई कर सकेंगे मोस्ट ऑफ में, ऐसा कुछ है नहीं है फिजिकल का तो अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। देखो अब बात करते हैं अपन क्वालिफिकेशंस की, पहली चीज़ ये क्या परसुइंग वाला कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, तो मैं आपको बता दूं इंडिया के अंदर जो सभी पेपर होते हैं, इंडिया के अंदर जो अभी करंट में जिनके एग्ज़ाम हो रहे हैं वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे परसुइंग अगर कैंडिडेट वो अप्लाई ना करें, क्योंकि डिग्री 2018 की वैलिड होगी जो 2018 में कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि जो अभी एग्जाम में बैठ रहे हैं उनका एक एक जो 2019 से पहले रिजल्ट आएगा नहीं, वो अभी तो एग्जाम में बैठ रहे हैं इस बार फाइनल में, तो वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जो इस बार फाइनल में जो फाइनल कंप्लीट कर चुके हैं वही अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है क्योंकि आज अपने फरवरी हो चल चुका है इस वजह से। देखिएगा फर्दर बात करते हैं कि अपने बात अप्लाई नहीं कर सकते जो परसुइंग है। दूसरी चीज सिविल इंजीनियरिंग के लिए, सिविल में इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विद 1 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। अब सुहा ध्यान रखना यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है, इस चीज़ का आप नोटिस करें, एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है ध्यान रखना, चाहे डिग्री आपने करी हो लेकिन 1 साल का एक्सपीरियंस आपको मांगा गया है, सेम इस वाले केस में है, ठीक है। लेकिन ये जो केस रहेगा दोनों के अंदर रहेगा डिप्लोमा होल्डर्स में, किस में रहेगा, अगर कोई कैंडिडेट डिप्लोमा करा हुआ है, अगर कोई कैंडिडेट डिप्लोमा करा हुआ है तो उसको 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है। वो एक्सपीरियंस कहाँ से मांगा गया है इसका मेंशन मैं आपको बता दूँ, वो एक्सपीरियंस जो होगा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या फिर सिविल इंजीनियर दोनों में से जेई, ठीक है बीटेक जो होता है, बीटेक बीई जो होता है उसके लिए। अब इसमें जो बात है वो आप देख लीजिएगा कि जो एक्सपीरियंस मांगा जाएगा वो किसी ना किसी फर्म से मांगा जाएगा जो फर्म गवर्नमेंट रजिस्टर्ड हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखें, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करेंगे स्टेनो ग्रेड के लिए, स्टेनो मांगे गए हिंदी में, उसमें ग्रेजुएशन चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके साथ में आपका ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, या फिर अगर आप ग्रेजुएट ना हो, अगर आपके पास BCA की डिग्री हो या फिर आपके पास MCA की डिग्री हो या फिर आपके पास BSc CS की डिग्री हो, ठीक है MSc CS वाली डिग्री हो, ठीक है कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर आपके पास BTech हो CS में, कंप्यूटर साइंस में आपके पास BTech हो, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो स्पीड मांगी जाएगी वो 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग की, 80 वर्ड पर मिनट टाइपिंग अपने शॉर्ट हैंड की होगी, ठीक है। बात करते हैं AG हिंदी की, तो इसमें मेन जो बात रखी है वो ये रखी गई है डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी विद हिंदी, मेन सब्जेक्ट हिंदी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो रहेगा वो ये है कि 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन फॉर इंग्लिश टू इंडियन, ये एक्सपीरियंस जरूर मांगा गया, और प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, ठीक है आप इंग्लिश में अच्छा खासा बोल सकते हैं वो जरूर मांगा गया। नेक्स्ट डिजायरेबल है कि आपके पास होना, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है लेकिन डिजायरेबल, अगर आपके पास होता है तो आपको प्रिफरेंस दी जाएगी। अगर आप PG है, MA PG है तो आपके पास MA है, MA के अंदर हिंदी है तो आपको उसमें डिजायरेबल आपको बेनिफिशियरी दिया जाएगा। हिंदी टाइपिस्ट वही नॉर्मल ग्रेजुएशन 30 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग प्रेफरेबल इंग्लिश हिंदी, अगर आपका हिंदी इंग्लिश हिंदी टाइपिंग है तो। अब बात करते हैं सबसे मेन की, तो मेन जो है इसमें पद जो है
वो मेन सबसे ज़्यादा वैकेंसी भी इसी की है और सबसे ज़्यादा पोस्ट भी अच्छा खासा यही अच्छा कवरेज करेगा, वो इसी के ज़्यादा बंदे होंगे, एजी जनरल और एजी डिपो। पेपर के पे लेवल की भी बात करेंगे, पेपर कैसे सबके लिए होगा, एजी जनरल एजी डिपो। तो देखो इन दोनों में ग्रेजुएशन चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, दोनों के अंदर ग्रेजुएशन चाहिए, जिसे कोई सी भी डिग्री से हो आपका कंप्लीट डिग्री चाहिए, ठीक है। एक चीज़ का और, एजी अकाउंट्स में अप्लाई कर पाएंगे सिर्फ बीकॉम वाले। कौन कर पाएंगे? ओनली जिनके पास बीकॉम है। तो बीकॉम वालों के लिए एक एजी अकाउंट्स की वैकेंसी आई है। यहाँ पे एक बात कहने की ये है, ठीक है, एक बात कहने की ये है कि यहाँ पे सीए अप्लाई के लिए इन्होंने नहीं दिया, सीए या सीएस वाले कैंडिडेट यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी वाले कैंडिडेट को नहीं ऑप्शन दिया गया है, डिग्री के बेसिस पे सिर्फ बीकॉम ही चाहिए, तो मतलब बीकॉम वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो एक ये बेनिफिट होता है बीकॉम वालों के, क्योंकि बेचारों को पहले ही कुछ नहीं मिलता, ठीक है। टेक्निकल बीएससी इन एग्रीकल्चर, या फिर आपके पास बीएससी ही एग्रीकल्चर के अलावा बीएससी इन फॉलोइंग सब्जेक्ट, फॉलोइंग सब्जेक्ट है कौन कौन से? आपके पास बोटनी में है, जूलॉजी में है, बायोटेक्नोलॉजी में है, बायोकेमिस्ट्री में, माइक्रोबायोलॉजी में, फूड साइंस में। अब यहाँ पे बोलते हैं सर यहाँ टेक्निकल ये कैसे माना जाता है? देखो बात आती है फूड कॉर्पोरेशन में मेनली सीड्स की, तो वहाँ पे टेक्निकल के तौर पर माना जाता है इनको, ठीक है, ध्यान रखना। इस वजह से बीटेक और बी इन फूड साइंस या फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम रिक्रा यूनिवर्सिटी एंड IISCT, ठीक है, और प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर्स में मांगी गई। फर्दर बात करते हैं, अब जब अपन ये सारी बात हो चुकी होती है, ठीक है, और इस चीज़ का एक कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फॉर एनी ऑफ द पोस्ट कोड, ठीक है, एनी वन ऑफ द, आप अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ किसी एक के लिए, सिर्फ किसी एक के लिए। एक कैंडिडेट कैन अप्लाई इन एनी वन जोन, इधर नॉर्थ जोन और साउथ जोन और ईस्ट जोन और वेस्ट जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन, आप किसी एक ही जोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब दिक्कत बच्चों को यहाँ ये आती है कि सर हम डिपो के लिए अप्लाई करें या हम जनरल के लिए अप्लाई करें, किसके लिए हम अप्लाई करें? तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, सबका एग्ज़ाम तो एक ही दिन होना है, ठीक है, ध्यान रखना। वहाँ पे दिक्कत यही आ रही है, ये जो सारे कोड जो दे रखे हैं आई तक वाले, इसमें सिर्फ आप सिर्फ एक के लिए ही अप्लाई कर सकते हो, और वो भी किसी एक सिंगल जोन से, सिंगल जोन सिंगल पोस्ट, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी ये नॉर्मल बात है, कुछ बात नहीं है, ऑनलाइन से भरा जाएगा, ठीक है। रिजर्वेशन रिलैक्सेशन ये आपको पता है, SC ST को 1 साल, 5 साल हो, 5 साल OBC, SC ST OBC को 3 साल, ठीक है, ऐसा कुछ है जो आप देख लीजिएगा। फर्दर चलते हैं अपन, नीचे है पेपर की बात, पेपर की बात पे आएंगे सीधा, तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस। बात करते हैं सभी को फेज वन का पेपर, पेपर फेज टू में दो फेजेज में लग रहा है, ठीक है, फेज वन एंड फेज टू। जब मैं FCI इनकी फेज वन फेज टू की बात करूंगा, तो इसमें फेज वन के अंदर जो पेपर पैटर्न है वो ये है, सबसे मेन इम्पोर्टेंट है, अगर आपको इस पेपर को पास करना है तो आपका इंग्लिश अच्छा होना ही चाहिए। रीजनिंग और मैथ कॉमनली आजकल सभी का अच्छा हो रहा है, इंग्लिश में दिक्कत आ रही है, और इंग्लिश 30 मार्क्स कंटेन कर रही है और 70 मार्क्स कंटेन कर रही है। अगर आपको मेरिट में आना है, अगर आपको फेज टू के लिए क्वालिफाई करना है, तो ये तो सबका सही हो जाएगा, लेकिन नॉर्थ में अगर आप हो तो आपको इंग्लिश अच्छा करना पड़ेगा, जिसकी मैं खुद आपके यहाँ पर्सनली क्लासेस भी लेता हूँ, लेकिन आपको ये अच्छा होना ही चाहिए, और उसके लिए मैं, आप चाहते हैं क्लासेस स्टार्ट करवाना तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरे नंबर ऊपर दिया हुआ है वीडियो में, आप देख लीजिएगा, वीडियो स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था वापस यहाँ लिख देता हूँ, नंबर है अपना 7733070619, ठीक है। ये आगे बात फर्दर बात करते हैं, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, और पेपर जो लेवल रहेगा वो पूरा सीजीएल प्री लेवल जो रहेगा सेम लेवल रहेगा, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं, अब बात आती है कि इसके अलावा फेज टू की जब बात करेंगे, एक चीज़ और मैं आपको पहले ही बता दूं, फेज वन विल नॉट बी काउंटेड इन द मेरिट, ठीक है, फेज वन को मेरिट में काउंट नहीं करा जाएगा, फेज टू का ही मेरिट में रोल है, मेन रोल यही प्ले करेगा, तो आपको यही करना है। अब वन पेपर, यहाँ पे पेपर वन होगा ओनली, ठीक है, पेपर वन होगा, पेपर थ्री होगा सिर्फ ई के लिए, ठीक है, मतलब इनको ये ही पेपर देने पड़ेंगे, जैसे टाइपिस्ट हिंदी जो होगा उसको सिर्फ पेपर देना है अपने, पेपर थ्री, पेपर वन देना है एफ और आई वालों को, मतलब जनरल और डिपो दोनों के लिए सेम है, चाहे आप कोई सा भी करें। स्टेनो के लिए देना है पेपर फाइव, पेपर वन भी देना है जो एफ और आई जनरल और डिपो के लिए है, और पेपर टू भी देना है, ये देना है ए और बी को, जो मतलब जूनियर जूनियर इंजीनियर की जो दोनों पोस्ट हैं उनके लिए पेपर वन भी होगा, ये पेपर वन भी होगा, पेपर टू भी होगा, ठीक है। इसके अलावा
ये एच के लिए अकाउंट्स और टेक्निकल के लिए भी सेम ही केस है। पेपर थ्री और पेपर फोर जो होगा वो एजी हिंदी के लिए। अब चलते हैं पेपर की तरफ, तो देखिएगा पेपर वन, पेपर थ्री एंड पेपर फाइव, तीनों पेपर वन थ्री एंड फाइव। पेपर वन थ्री और फाइव की जब मैं बात करूंगा तो जो पेपर वन होगा वो होगा अपने एफ आई के लिए, थ्री होगा ई के लिए, सेम थ्री होगा डी के लिए, और फाइव जो होगा वो फाइव होगा सी के लिए। वन थ्री और फाइव, पेपर वन पेपर थ्री, पेपर वन पेपर थ्री और पेपर फाइव, इसमें होंगे 120 क्वेश्चन और 120 मार्क्स, ठीक है। पेपर पोस्ट स्पेसिफिक पेपर फेज टू, पेपर टू होगा, इसमें होंगे 60 क्वेश्चन, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन और 120 मार्क्स होंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेम पेपर फोर सब्जेक्टिव होगा, जिसमें आप पेपर फोर सब्जेक्टिव हो किसके लिए रहा है, सिर्फ ए जी हिंदी के लिए होगा, इसके अलावा किसी के लिए पेपर फोर नहीं होगा, जिसमें 2 क्वेश्चन कैरी ईच मार्क्स, और ये डिस्क्रिप्टिव होगा, ध्यान रखना इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बाकी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है फेज टू, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं पेपर वन की तरफ, पेपर टू की तरफ, सबकी बात करेंगे। तो देखिए पेपर वन का भी सेम सिलेबस है जो फेज वन में रहा है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड हो रही है। जनरल एप्टीट्यूड उसमें था, यहाँ भी आई है, रीजनिंग आई है, जी आई आई है, इंग्लिश आई है, लेकिन कंप्यूटर इसमें एक्स्ट्रा ऐड है। तो जनरल और डिपो वालों को पेपर वन में ये चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी। जी के फेज वन में नहीं थी, जो यहाँ है करंट अफेयर्स नहीं था वो यहाँ है, डी आई कम थी लेकिन अब यहाँ पर ज़्यादा आएगी, ध्यान रखना डी आई डाटा एनालिसिस न्यूमेरिकल एबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा आएगी। ये सब लगेंगे पोस्ट कोड ए के लिए, ठीक है, जूनियर इंजीनियर, दोनों जूनियर इंजीनियरों के लिए, इलेक्ट्रिक इंजीनियर सी के लिए, ठीक है, जनरल के लिए, अकाउंट्स के लिए, टेक्निकल के लिए, डिपो के लिए, सबके लिए लगाए। स्टेनो को छोड़ देंगे, किसको छोड़ेंगे अपन इसमें, अपन इसमें पोस्ट छोड़ेंगे, जो स्टेनो की पोस्ट होगी वो छूट जाएगी, कुछ एक दो पोस्ट हो रही है वो छूट जाएंगे इसके अंदर। बात करते हैं सेम ही केस, अब ये तो हुआ अपना पेपर वन वाला, पेपर टू वाला केस ध्यान रखिएगा, ये आप खुद देखिएगा अपना अपना, बता देता हूँ फिर भी मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ, आपको अपनी प्रिपरेशन अपने अकॉर्डिंग करनी है। ये पेपर टू का रहेगा, देख लीजिएगा, जैसे जूनियर इंजीनियर वाला देखना फर्स्ट में, फिर सेकंड वाला जो होगा वो पेपर टू होगा, किसके लिए, असिस्टेंट ग्रेड वालों के लिए ये होगा स्पेसिफिक, फिर होगा इसके बाद में अपन असिस्टेंट ग्रेड थ्री वाले टेक्निकल के लिए, वो भी आप देख लीजिएगा एच कोड के लिए। सिलेबस जो रहेगा वो इस अकॉर्डिंग रहेगा, जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियर्स के लिए ये वाला सिलेबस रहेगा, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए ये रहेगा, असिस्टेंट ग्रेड अकाउंट्स के लिए ये रहेगा सिलेबस, ठीक है। ये मेन है सी वाला, अकाउंट्स वाला जो आपको फोकस रहना है, मेन दिक्कत यही आएगी बच्चों को कि सर अब दोबारा ये कहाँ से पढ़ें, तो इसके लिए आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ऑडिटिंग वगैरह के लिए। नेक्स्ट टेक्निकल के लिए मेन मुद्दा यहाँ पे आता है, मेन मुद्दा यहाँ पे आता है कि सर अब ये बताइए कि टेक्निकल के अंदर क्या ये सारा कवर करेगा, ये जो हमारा सब्जेक्ट है, या सिर्फ वो ही कवर करेगा। तो अब आपको बता देता हूँ, ठीक है, ये जो सारा सब्जेक्ट रहेंगे, ये सब्जेक्ट का तो सिलेबस है यहाँ तक फिजिक्स वाले तक, ठीक है, ये हुआ सिलेबस टेक्निकल वालों के लिए। द अबव सिलेबस फॉर एग्रीकल्चर बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री ग्रुप इनटू फॉलोइंग टू कैटेगरीज, आपको दो कैटेगरी दी जा रही है, ग्रुप ए वो ये है एग्रीकल्चर बॉटनी और जूलॉजी, ठीक है, एक है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ठीक है, ये थी। अब आपको जब आप ध्यान रखिएगा, जब आप फॉर्म के लिए अप्लाई करें जीटेक के लिए, ठीक है, तो आपको इनमें से, ठीक है, कोई एक ग्रुप सिलेक्ट करना है, इधर ग्रुप ए और ग्रुप इन विच सी हैज टू अपीयर इन द एग्जाम, ठीक है, तो आपका तीन तीन कंटेंट आपके कवर अप करेंगे। बात करेंगे पेपर थ्री की, पेपर थ्री में भी सेम हिंदी वालों के लिए, उनके लिए जो पोस्ट कोड रहेगा वो ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे भी उनको कंप्यूटर एक्स्ट्रा है, जनरल इंटेलिजेंस एक्स्ट्रा है, कंप्यूटर के अलावा जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन थोड़े से एक्स्ट्रा होंगे, और पोस्ट कोड ही के अलावा उनके यहाँ पे थोड़ा हिंदी का भी कंटेंट रहेगा, ठीक है। सब्जेक्टिव में यहाँ पे इनको टाइपिस्ट जो पेपर फोर है ये सिर्फ किसके लिए है, फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ग्रेड हिंदी, ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव नेचर पे रहेगा, इनको रेमिंगटन गेल में भी यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, और यहाँ पे इनको नोट डाउन भी करना पड़ेगा, उनको टाइपिंग करना पड़ेगा टू पेसेस, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेम पेपर फाइव रहेगा, देख लीजिएगा आप, सेम पैटर्न रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, ऐसा करके अपने सारे पेपर कंटेक्ट होते हैं, ठीक है, इस चीज़ में ध्यान रखिएगा। फिर पेपर फाइव जो है वो अपना डिस्क्रिप्टिव स्किल टेस्ट रहेगा, वो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 80 वर्ड्स,
ठीक है, अपने स्टेनो के अंदर ये सब रहा अपने वैकेंसी की डिटेल के बारे में, आप फॉर्म भरने उस चीज़ का ध्यान रखें, और बाकी आप मुझसे मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है। बैचेज अभी फेज़ वन के लिए ही चलाई जाएंगे, ठीक है, बैचेज अभी फेज़ वन के लिए चलाए जाएंगे, नंबर मैंने दे रखे हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप में यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है, जहाँ पे आपको पूरी जानकारी उपलब्ध होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और कुछ डाउट्स दोबारा हैं आपके तो आपको कमेंट में पुट अप कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर पसंद आई हो आपको, मेहनत अच्छी लगी हो, और एक बार वापस दोबारा बता देता हूँ, जो भी सीजीएल सीपीओ की तैयारी कर रहा है वो इस फॉर्म को जरूर भरें, जनरल या डिपो से, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप रीजनल से भरना चाहते हैं डिपो से भरना चाहते हैं, ठीक है, जिसके पास जिसकी भी इंग्लिश मैथ और रीजनिंग तीनों सब्जेक्ट अच्छे हैं वो इसको अप्लाई करें, क्योंकि आपको एक प्री के अंदर बहुत सारे बच्चे कट जाते हैं यहाँ से, और जब आपके बच्चे कई बच्चे कट जाते हैं तो आपको एक अच्छा मौका मिलता है मेंस में अच्छा स्कोर करने का, ठीक है, तो सीजीएल से कुछ अच्छा है, आपको अपने नॉर्थ पोल जोन में ही रहता है, सबसे मेन बात यह है कि आप जो जोन सेलेक्ट करेंगे आपको उसी के अंदर पोस्टिंग मिलेगी परमानेंट, आपको उसी के अंदर रहना है, आपको कोई ट्रांसफर ज़्यादा मिलता नहीं है, आपको यहाँ ही एफसीआई के अंदर पोस्टिंग मिलती है, जैसे जयपुर एफसीआई के अगर यहाँ पे जयपुर में पोस्टिंग आती है तो जयपुर में पोस्टिंग रहेगी, वो सिर्फ जयपुर में ही पोस्टिंग रहेगी, कहीं और आपको बाहर नहीं भेजा जाएगा, ये सबसे बड़ा फायदा है एफसीआई के अंदर। ठीक है जी दोस्तों, अगर वीडियो को पसंद आया लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।